जय नमोस्तु तत्नंदनंदिंद परमिथति पदवींद नमो चेत सुभा गुरुवेश गोपति गोपति ज्ञान सहिका आरण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम जोतौ जिनवरी अर्थति अर्थ जो भैविनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी तत्त्वं च परम तत्त्वं परम परम भावदर्शी परम जिन परमेष्टि नमाम्यं परम देव देवस् बोले आचार्य भगवान सद्गुरुवाद तानंदाचार्य जी महाराज की। श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज की। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ममल स्वरूपम कि अपने ममले ममल स्वभाव की श्रद्धा करोगे, अपने ममले ममल स्वभाव को अंतर से देखोगे तो जम रैनम रैन स्वरूप समल्यम, तो तुरंत ही जो तुम्हारे अंतर में जो तुम्हारा रत्नत्र स्वरूप है वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। कब मिलेगा भैया रत्नत्र स्वरूप? कब मिलेगा? ममल है ममल स्वरूपम, ममलम ममल स्वरूपम। भगवान का कहना भैया कि आत्मा ममले ममल स्वभाव ही है। ये बात अपने को बहुत क्या बोलते हैं युक्ति से स्वीकार करनी पड़ेगी। युक्ति से? युक्ति से क्यों भैया? देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, सावधान। युक्ति से क्यों स्वीकार करनी पड़ेगी? देखो भैया वर्तमान में जो परिणमन है और वर्तमान में जो भाव है वो दोनों आत्मा से विपरीत है। कैसे? कैसे भैया? देखो वर्तमान में जो अपना परिणमन चल रहा है वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रूप है या नहीं? अर्थात इस समय शरीर आकार आकृति रूप है या नहीं? और जो भाव चल रहे हैं जो परिणाम चल रहे हैं वो भी राग देश मोह आदि के परिणाम है ना। अर्थात आत्मा से जो विपरीत है वो परिणमन सामने चल रहा है। परिणमन आत्मा से विपरीत सामने चल रहा है और अपने को स्वीकार क्या करना भैया? आत्मा। तो अब करना क्या पड़ेगा? अब युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा भैया। युक्ति मतलब भैया कोई ऐसा सरल मार्ग, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी अंतरात्मा की कोई ऐसी शक्ति है ना जो ये क्या बोलते हैं असद पर्याय परिणमन के बीच में भी अपने पूर्ण तत्व को स्वीकार कर ले। ऐसी युक्ति चाहिए अपने, ऐसा कोई सूक्ष्म सा रहस्य चाहिए अंतर में, ऐसी सूक्ष्म इतना सूक्ष्म अपने अंतर में अपना जो अंतर आत्मा ना भी अपने को ऐसा सूक्ष्म रहस्य चाहिए, ऐसी सूक्ष्म मानता चाहिए जो एक बार में जीव स्वीकार कर ले। क्या स्वीकार कर ले? कि मैं तो वो चैतन्य तत्व परमात्मा ही हूं। एक युक्ति चाहिए भैया, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि एक बार जीव के अंतर में ये धारणा स्थापित हो गई
कि मैं तो वो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा ही हूं, तो उसके बाद फिर तीन काल में भी इस जीव को संसार में कोई भटका सकता है? एक बार की बात है, यदि इस जीव के अंतर में एक बार अपने सिद्धत्व की स्थापना हो गई कि मैं ममलम ममल सहाव स्वरूपम, मैं ममले है ममल स्वभाव वाला हूं, यदि एक बार यह स्थापना, एक बार यह श्रद्धा यदि इस जीव के अंतर में हो गई, इसने अपने शाश्वत शुद्ध स्वरूप को अपनी धारणा में स्थापित कर लिया, तो फिर त्रिलोक की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इसके अंतर से रत्नत्रय चतुष्टय स्वभाव को उत्पन्न होने से रोक सके। कोई ताकत नहीं, कोई भी ताकत नहीं है। न कर्म रोक सकते, न कर्म धाराएं रोक सकती, बस एक बार अस्थाप हो जाए, एक बार अंतर चित्त से आस्था बैठ जाए, एक बार अंतर आत्मा समर्पण कर दे अपने ममल स्वभाव को, अपने ममले ममल स्वभाव को एक बार तुम्हारा उपयोग समर्पण कर दे, बस एक बार की बात है चेतनात्मा, एक बार सच्ची दृढ़ श्रद्धा करके, सच्ची दृढ़ मानता करके अंतर आत्मा अंतर आत्मा का दृढ़ प्रसाद प्रकट करके, दृढ़ दृढ़ कमजोर नहीं, बिल्कुल पक्का दृढ़ श्रद्धान करके और एक बार बैठना है। भैया बताओ कौन सी युक्ति है, कौन सी युक्ति है जिससे एक बार में स्वीकार हो जाए, मैं तो ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूं। कौन सी युक्ति भैया, क्या करें, क्या कर सकते हैं अपन, अपन भी तो बैठे हैं यहां, क्या कर सकते हैं, कछु तो कर ही सकते हैं, बताओ भगवान जी। एक बार की बात है भगवान, सिर्फ एक बार, एक बार की यदि युक्ति आपके काम में आ गई, एक बार यदि अंतर में वो आपके अंतर में बात बैठ गई कि वास्तव में वो ममले ममल स्वभावी आत्मा हूं, यदि आपकी श्रद्धा अनुभव गम्य हो गई, आपके आत्मा के अनुभव के साथ आपने सिद्ध कर लिया कि हाँ वास्तव में वो शुद्ध स्वभाव ही मेरा स्वभाव है भगवान आत्मा, फिर भुलाना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे, फिर भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। भाई देखो एक उदाहरण देते हैं, एक अंधा व्यक्ति हो, अंधा जिसने जीवन में कभी प्रकाश देखा ही ना हो, अच्छे सुनना, एक अंधा व्यक्ति हो, एक अंधेरा अंधेरे में देख रहने वाले व्यक्ति, नहीं अंधे की बात कर, एक अंधा व्यक्ति हो जिसने जीवन में कभी प्रकाश देखा ही ना हो। अब जिसने कभी प्रकाश को देखा ही ना हो, जिसने कभी प्रकाश का अनुभव ही ना किया हो, जो कभी प्रकाश को जानता ही ना हो भैया, अब जिसने प्रकाश को किसी भी रूप से अनुभव ही नहीं किया, अब एक बात बताओ भैया, क्या आप उसे कभी प्रकाश समझ सकते हो कि प्रकाश कैसा होता है, समझ सकते हो क्या? कोई भी युक्ति है ऐसी कि उसे प्रकाश को समझाया जा सके, प्रकाश उसे सुनाया जा सके, उसे समझाया जा सके कि प्रकाश क्या होता है, कोई युक्ति? या उस अंधे व्यक्ति को जो जन्म से ही अंधा हो, जिसने प्रकाश देखा ही ना हो, उस जीव को आप कुछ भी कर लो, आप उसे प्रकाश क्या है ये कभी बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते भैया? अंधा है ना, उसने कभी उसे देखा ही नहीं है। भैया मानो आप अंधेरे कमरे में चले जाओ, चाहे कितने अंधेरे कमरे में चले जाओ, आप उस अंधकार का अनुभव नहीं कर सकते जो अंधकार का अनुभव अंधा व्यक्ति कर रहा है। आपको लगता है कि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, या आपकी आंखें बंद कर दी जाए, या आप इतने दिनों से संसार देख रहे हो ना, इसके बाद आपकी आंखें चली जाए, तो वो भी आप उस अंधकार का अनुभव नहीं कर सकते जिस अंधकार का अनुभव एक अंधा करता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रकाश को देखा है, आप तीन काल में भी उसकी प्रतीति नहीं भूल सकते। आप कितने अंधेरे कमरे में चले जाओ, लेकिन आपको वो प्रकाश की प्रतीति बनी रहेगी।
और अंधे जीव को सूर्य के जगमगाते उजाले में भी ले जाओ तो भी उसे कहां क्या होता है ये पता लगने वाला है नहीं। क्या उपाय है? एक ही उपाय है, यदि उसके पास आंखें आ जाए, एक बार यदि वो प्रकाश को देख ले, एक बार यदि वो प्रकाश का अनुभव कर ले, एक बार उसे खुली आंखों से प्रकाश क्या होता है ये पता लग जाए, तो फिर उसके जीवन में अंधेरा आने वाला नहीं। कभी वो उस अंधकार का अनुभव करने वाला नहीं है जिसका अनुभव वो जीवन भर कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने एक बार उस प्रकाश को देख लिया। बस एक ही युक्ति है। बस आपको आत्मा का अनुभव चाहिए ना भैया, आपको आत्मा का दृढ़ श्रद्धान करना है ना, आपको अंतर आत्मा की जो अपनी अंतर चेतन में शक्ति है इसका दृढ़ श्रद्धान करना है ना भैया, ऐसा श्रद्धान करना है ना जो कभी अपने जीवन से अलग ही ना, ऐसे श्रद्धान करना है ना। तो उस अंधे व्यक्ति जैसे उस अंधे व्यक्ति के पास एक ही उपाय था, आंखें, एक ही उपाय था ना, वैसे ही अपने पास एक ही उपाय है, वो है इस सर्वज्ञ भगवान की वाणी, आंखें, ये सम्यक ज्ञान। अरे आत्मा, जिस दिन तू जिनेन भगवान की इस वाणी से, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम सम्यक ज्ञान में नेत्रों से, जिस समय तू अपने अंतर आत्मा के प्रकाश को एक बार देख लेगा कि मैं तो वो ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूं, उसके बाद तू भूलना भी चाहेगा ना, तू भूलना भी चाहेगा कि मैं अपनी चेतना को भूल जाऊं, तो भूले से नहीं भूल सकता। अंधा व्यक्ति एक बार यदि प्रकाश को देख ले, चाहे उसकी फिर से आंखें चली जाए, लेकिन कभी वो उस प्रकाश को भूल सकता है। प्रकाश प्रतीति में वास करता है चेतन आत्मा, समझो इस बात को, प्रकाश प्रतीति ही वास करता है। एक बार जिसे प्रकाश का अनुभव हो जाता है उसके अंतर में उसकी छवि कैद हो जाती है। एक बार भी, सुन रहा है भगवान आत्मा, एक बार भी यदि किसी के अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाए, कोई भी एक बार प्रकाश को देख ले, तो उसके अंतर में उस प्रकाश की छवि बच जाती है। ऐसे ही भगवान आत्मा यदि इस सर्वज्ञ की वाणी सुनते सुनते, इस सर्वज्ञ के वचनों की, इस सर्वज्ञ के जो वचन है इन वचनों को सुनते सुनते, इस शुद्ध जिन वचनों को सुनते सुनते, एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि तो करो, एक बार सच्ची अंतर आत्मा की रुचि लगा के एक बार अंतरोन्मुख तो हो चेतन आत्मा। यदि एक बार भी तुमने अपनी अंतर चेतना का दर्शन कर लिया, एक बार भी यदि तुमने अपनी अंतर आत्मा से मिलन कर लिया, तो फिर वो प्रकाश पुंज जो परमात्मा है उसकी छवि तुम्हारे चित्त से जाने वाली, उसकी प्रतीति तुम्हारे चित्त से जाने वाली नहीं। एक बार रुचि तो लगाओ भगवान, एक बार सच्ची रुचि तो लगाओ, नहीं हो रहा ना विश्वास भैया? अंधे को आंखें मिल सकती हैं तो भैया अपन भी अनादि काल से अंधे, भैया संसार में जन्म मरण कर रहा है, संसार में यात्रा कर रहा है, संसार में ही अनंत काल से परिभ्रमण कर रही अपनी आत्मा, लेकिन आज तो सर्वज्ञ की वाणी से, सद्गुरु के उपदेश से ये ज्ञान रूपी नेत्र अपने पास है नहीं है, ये आत्मज्ञान रूपी नेत्र है नहीं अपने पास, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं ऐसी सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान है या नहीं है? अरे जिन्हें भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ के वचनों का उपदेश है, गुरुओं की वाणी है आज तो, हे भव्य आत्मा, ये जिनेन्द्र भगवान भैया, ये आचार्य भगवंतों की वाणी सुनो तो, जिनवाणी को, जिनवाणी क्या कह रही है, क्या समझा रही है कि ममलम ममल सरूपम, आत्मा कर्म मल से रहित पदार्थ है, लेकिन हे जीवराज तू अज्ञान के कारण कर्म की ओर देख रहा है। एक बार युक्ति अपनाओ, एक बार सर्वज्ञ की वाणी को सुन के उनके वचनों का पूर्ण रूप में श्रद्धान कर लो कि हाँ वो ममल स्वभाव मेरे अंतर में है, और इतना दृढ़ श्रद्धान करो
इतना दृढ़ श्रद्धान करो कि एक समय के लिए ये उपयोग अंतरोन्मुख हो जाए, बस इतना इतना दृढ़ श्रद्धान करो, इतना पक्का श्रद्धान करो कि एक समय के लिए ये उपयोग अंतरोन्मुख हो जाए। बस एक बार यदि इस उपयोग ने उस त्रिकालिक ज्ञायक तत्व के प्रकाश को देख लिया तो फिर कभी कभी भी उसका विस्मरण होने वाला नहीं। ये पुरुषार्थ का मार्ग ही है, ये सुनने का मार्ग नहीं है, समझने का मार्ग नहीं है, ये दृढ़ता से पुरुषार्थ करने का मार्ग, दृढ़ता से शुद्ध पुरुषार्थ करने का मार्ग है। तो पुरुषार्थ तो करो, क्या कह रहे गुरुदेव, ममलम ममल सरूप, आत्मा कैसा है भैया, ममल स्वभावी, ममले है, ममल स्वभाव वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा दृढ़ श्रद्धान करो तो क्या होगा, जम रैनम रयन रत्न उत्पन्न हो जाएंगे भाई, रैनम रयन स्वरूप समल्यम, जो अपना रत्नत्रय में स्वरूप है, अनंत चतुष्टय में जो आत्म स्वभाव है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण प्रकट हो जाए। भगवान आत्मा अपनी श्रद्धा कितनी पक्की है, स्वस्वरूप का दृढ़ श्रद्धान सम्यक दर्शन, अनुभूति सहित श्रद्धान सम्यक दर्शन, स्वस्वभाव को जानना सम्यक ज्ञान, और स्वस्वभाव में आचरण करना, मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं, ऐसा आचरण करना सम्यक चरित्र। अतीन्द्रिय आत्मा के नजदीक जाने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है भैया। आप सच्ची श्रद्धा तो करके बताओ भगवान के वचनों की, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में भगवान महावीर की बात तो स्वीकार करो चेतन आत्मा, भगवान महावीर के वचनों को तो स्वीकार करो, भगवान महावीर का उपदेश तो स्वीकार करो कि ये आत्मा अजर अमर अविनाशी ममलह ममल स्वभावी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, और इसका धर्म पाप विषय कसाय में रमना नहीं है, इसका धर्म इंद्रियों की भौतिक वस्तुओं में विषय वासनाओं में रत रहना नहीं है, आत्मा का धर्म मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नहीं है, भौतिक पदार्थ रूप आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो फिर ये आत्मा इन भौतिक पदार्थों से भिन्न अतीन्द्रिय चैतन्य में ज्ञायक तत्व परमात्मा है, अंतरात्मा की ज्योति में स्वरूप आत्मा है भाई। तो क्या करें गुरुदेव, लगे ऐसा दृढ़ श्रद्धान करो कि मेरा आत्मा अरिहंत सिद्ध भगवंत जैसा, अरिहंत सिद्ध भगवंत जैसा मेरा आत्मा भी ममल स्वभावी परमात्मा है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करो। क्या होगा भाई ऐसी दृढ़ श्रद्धा से, जम रैनम रयन स्वरूप समिल्यम, अंतर में जो रत्नत्रय स्वभाव है वो प्रकट हो जाए। भैया रत्नत्रय स्वरूप चाहते भी या नहीं चाहते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना है भी या नहीं है, मिथ्या क्रियाओं में, मिथ्या बाहर की क्रियाओं में, मिथ्या बाहर के उपद्रव में कहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना खत्म तो नहीं हो गई चेतनात्मा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रमण करने की भावना खत्म तो नहीं हो गई, कहीं क्रियाओं में, कहीं बाहर की चकाचौंध में, भौतिकता की चकाचौंध में, दिखावे में, धर्म के नाम पे दिखावे में कहीं आत्म तत्व का लोप तो नहीं कर दिया भगवान आत्मा, अपने निज अंतर आत्मा की श्रद्धा खत्म तो नहीं हो गई। अच्छा बताओ भगवान, चैत्याली क्यों आ रहे हो, आरती क्यों कर रहे हो, भक्ति क्यों कर रहे हो, पूजा क्यों कर रहे हो, स्वाध्याय क्यों कर रहे हो, ये सब क्रियाएं श्रावक की सारी क्रियाएं काय के लिए कर रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आराधना करने के लिए तो कर रहे हो ना भैया, मोक्ष मार्ग की आराधना करने के लिए तो जैन धर्म है ना, मुक्ति मुक्ति मार्ग की आराधना करने के लिए ये वीतराग में जैन धर्म है ना भैया, तो सही बताओ क्या अपन ऐसे मोक्ष मार्ग को साध रहे हैं। देखो अगली गाथा बजा रहे हैं अपन, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, श्रेष्ठम च गुण बंधम, हे भव्य आत्मा श्रेष्ठम च गुण उपन्नम, अपने अंतर आत्मा के श्रेष्ठ गुणों को
प्रकट कर। भैया कौन से गुण? हम अच्छा बोलते हैं, हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा बनाते हैं, हम अच्छा चलते हैं, हम अच्छा उठते हैं, हम अच्छा बैठते हैं, इसलिए ये आत्मा के गुण नहीं है। लोग इन्हीं को गुण मानते हैं, हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा चलते हैं, अच्छा पहनते हैं, इसलिए ये आत्मा गुण थोड़ी ना है। इसलिए क्या, ये तो सब बाहर की क्रियाएं हैं। आ रही नहीं आ रही भगवान आत्मा पकड़ में। अच्छा खाना, अच्छा बोलना, अच्छा पीना, अच्छा चलना, अच्छा उठना, अच्छा बैठना, इसलिए आत्मा के गुण थोड़ी ना है। इसलिए पर ये क्या है, इसलिए तो शुभ अशुभ क्रियाएं, पुण्य पाप की क्रियाएं हैं। तो गुरु महाराज क्या आज्ञा है, आप क्या कहना चाहते हो? और कहना चाहते हैं श्रेष्ठम चा गुणवन्नम। क्या करो भैया, अपने अंतरात्मा में जो श्रेष्ठ गुण है उन श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करो। श्रेष्ठ गुण, आत्मा के गुण श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है, सम्यक ज्ञान श्रेष्ठ है, सम्यक चारित्र श्रेष्ठ है। भैया आत्मा के जो अपने गुण है, आत्मा का अपना गुण दर्शन है, आत्मा का अपना गुण ज्ञान है, आत्मा का अपना गुण चारित्र है, आत्मा आनंद में है, ज्ञान आनंद में है, तो आत्मा के जो गुण है वो श्रेष्ठ है। आत्मगुणों को उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं गुरु महाराज, क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठम च गुणवन्नम। क्या कर आत्मा? अपने आत्मा के श्रेष्ठ गुणों को प्रकट कर। कौन से श्रेष्ठ गुण? कौन से वाले? अनादि काल से जीव को आत्मा के गुण और शरीर के गुणों में अंतर ही समझ में नहीं आए। कोई सोचता है कि हम अच्छे सफेद कपड़े पहनते हैं तो हम धर्मात्मा हो गए, कोई सोचता है कि हम सोला का भोजन करते हैं तो हम धर्मात्मा हो गए। आत्मा के गुण और सांसारिक गुणों में अंतर ही समझ में नहीं आया। कोई मीठा बोलता है तो समझते हैं भैया आत्मा के गुण है। आत्मा के गुण और शरीर के गुण, इसमें अंतर ही पता नहीं है भाई कि आत्मा के गुण क्या है और बाहर के शुभ क्रियाएं अशुभ क्रियाएं क्या है, इनमें भेद ही नहीं पता। जब भी गुणों को ग्रहण करने की बात चलती है तो जीव क्या कर लेता है भैया, बाहर से एकाध नियम ले लेता है, बाहर से एकाध व्रत ले लेता है और समझने लगता है कि हमने तो आत्मा के गुणों को प्रकट कर लिया। क्या समझता है भैया, बाहर की क्रिया करके बाहर के नियम व्रत लेके ऐसा क्या समझता है कि हमने आत्मा के गुणों को प्रकट कर लिया? तो व्रत लेने की मनाही है क्या, नियम करने की मनाही है क्या? नहीं, कहने के नियम और व्रत होना है, संयम तो कर लेना ही है, संयम में जीवन तो जीना है, लेकिन क्यों जीना है? आत्मा के गुणों को प्रकट करने के। आपको संयमित इसलिए होना है कि आपकी प्रवृत्ति समाज से हटे, आपकी प्रवृत्ति संयोग से हटे, घर से हटे, दुकान से हटे, पुत्र परिवार से हटे और आप संयमित होके अपने अंतर आत्मा की ओर जाओ। संयमित होके आप अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चैत में रत्नत्र को प्रगटाओ। इसलिए है मुक्ति का मार्ग, इसलिए है जिनेन भगवान की वाणी। आचार्य भगवान का उपदेश सुनो भैया, श्रेष्ठम चा गुण उपन्नम। क्या करो, श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो। पता लग गया ना गुण कौन से हैं आत्मा के? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो आत्मा की अनंत आनंद परमानंद में जो संपदा है, जो आत्मा के स्वयं के गुण है, वो ही श्रेष्ठ गुण है भैया। आत्मा के गुण ही श्रेष्ठ गुण है। अब आत्मा का लक्ष्य बना के आप जो व्रत ग्रहण करोगे, जो नियम ग्रहण करोगे, जो संयम ग्रहण करोगे, वो सब आत्मा के गुणों के गुण मालिका में आ जाए। चाहे 11 प्रतिमाएं हो, चाहे महाव्रत हो, चाहे अणुव्रत हो, आप जो भी लोगे, लेकिन भैया आत्म गुणों को प्रकट करने की बात है। आत्म गुणों को प्रकट करने के अभिप्राय की बात है, निज अंतर आत्मा का लक्ष्य बनाने के बाद की बात है कि आपको आपका ज्ञायक स्वभाव स्वीकार है तब।
अच्छे सुनो भगवान जी, श्रेष्ठम च गुण वर्णम। क्यों उत्पन्न करें गुरु महाराज श्रेष्ठ गुणों को? कह लेंगे श्रेष्ठम सहकार कम समक्षिपनम। श्रेष्ठ गुणों का सहकार करने से, श्रेष्ठ स्वरूप का सहकार करने से, श्रेष्ठ ज्ञायक स्वभाव का सहकार करने से सारे के सारे कर्म क्षय हो जाते। अच्छा बता, आपने इतने व्रत करे, इतने नियम करे, यदि आपने आत्म अभिप्राय से ग्रहण करे होते तो क्या एकाध कर्म क्षय हुआ? एकाध मिथ्या मिथ्या की प्रकृति चली गई हो, एकाध कसाई की भावना खत्म हो गई हो, एकाध कोई कर्म टला, एकाध कोई उपद्रव टला? एक भी कर्म नहीं टला, एक भी उपद्रव नहीं टला, क्या हुआ? कोई कर्म नहीं टला ना, कोई उपद्रव नहीं टला ना? क्यों नहीं टला? क्योंकि भैया अपन ने अपने आत्मा का लक्ष्य छोड़ के किया भगवान। अपन ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ के किया, अपन ने निज आत्म अनुभूति का विस्मरण करके किया भैया। अपन ने अपने आत्म तत्व को, अपने निज अंतर आत्मा को गौण करके किया तो भैया जो कार्य अपनी आत्मा को लक्ष्यभूत करके ना किया गया हो तो फिर क्या होता है, कैसे होता है? भैया हमने निर्णय कर लिया ना कि हम तो चेतन में भगवान आत्मा है, अब हम सोला कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बताओ जल्दी, क्या होगा, कैसे होगा बताओ जल्दी। अरे भगवान जी, जो सोला है वो सोला प्रतीति में ना आए, जो परमात्मा के वचन है, जो परमात्मा शक्ति है वो प्रतीति में आए, तब माना जाएगा कि आपने श्रेष्ठ गुणों को आत्मा को लक्ष्यभूत करके किया। भैया आत्मा को बना के गणेश जी बना के कि ये रहा आत्मा, हाँ भाई मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, और चालू हो गए अपने गोरख धंधे में। यही कर रहे हैं ना अपन, यहां कह दिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, बोले गुरु महाराज की जय, और हो गए चालू काय में अपने गोरख धंधे में, या शुभ के गोरख धंधे में या अशुभ के गोरख धंधे में, अपने शुद्ध आत्मा की प्रतीति ही नहीं। अरे वो 16-17 की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, यदि उनके बीच में आपको आत्म अभिप्राय होता, उसके पीछे आत्मा को साधना का अभिप्राय होता, तो अपना उपयोग उन क्रियाओं में संलग्न ना होके, उन क्रियाओं की प्रतीति में संलग्न ना होके, अपना उपयोग अपने चैतन्य में आत्मा में संलग्न होता, और इसे गुरु महाराज कहते हैं श्रेष्ठम च गुण वर्णम। भगवान जी क्रिया तो शुभ हुई, भाव तो शुभ हुआ, लेकिन था क्या सामने, सामने वो होने वाला परिणाम नहीं था, सामने वो होने वाली क्रिया नहीं थी, सामने वो घटने वाला भाव नहीं था, फिर सामने क्या था? मेरा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। भगवान जी अभी भी निर्णय करोगे या फिर ऐसे काम चलता रहेगा? क्या करा भैया, भगवान आत्मा को गणेश जी बना के बैठा दिया कि देखो ये रहा भगवान आत्मा, देखते रहो देखते रहो, मतलब भगवान आत्मा मंदिर में है, पूजा हो गई, कहले अब क्या करो, लग जाओ अपने गोरख धंधे, लग जाओ अपने शुभ अशुभ क्रियाओं में, लग जाओ अपने पुण्य पाप में। कहला क्या हो गया, कहले भगवान आत्मा को गणेश जी बना के बैठा दिया। कहना क्या, प्रथम पूज गणेश। कहना क्या करा, कहला कोई भी क्रिया करने के पहले अपन ने क्या सोच लिया भैया कि आत्मा को लक्ष्य बना के क्रियाएं करना है, तो भैया क्या करें? रुचि तो पर्याय की है, रुचि तो शुभ क्रियाओं की है, रुचि तो अशुभ क्रियाओं की है, क्या करें कोई उपाय ढूंढो भैया। कहना एक उपाय बताते हैं ना, क्या? कहले शुद्धात्मा का लक्ष्य बनाना है ना, कहला एक काम करो, सारी क्रियाएं करने के पहले एक क्रिया और करो, क्या? ओम शुद्धात्मने नमः, एक क्रिया और कर लो। क्या हो जाएगा, शुद्धात्मा को नमस्कार कह देंगे या ओम नमः शिवाय कह देंगे या तत्व मंगल पढ़ लेंगे या गुरु महाराज की जय बोल देंगे, तो कहना क्या हो जाएगा, हमारा शुद्धात्मा का लक्ष्य बन जाएगा, और फिर हम लगे रहेंगे काय में,
काय में लगे रहेंगे फिर हम, मतलब इस जीव ने अपने आत्मा का भी उपयोग करना सीख लिया। देख रहे हो आप, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा उपयोग करना सीख लिया है। कह तो दिया कि मैं ज्ञायक हूं, कह तो दिया कि भैया मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, कह तो दिया कि मैं चेतन में आत्मा हूं, कह तो दिया कि मैं जानने देखने वाला हूं, लेकिन इस बात को कह दिया ओ फुर्सत चलने लगे ना, फिर उसकी प्रतीति, ना फिर उसका बोध, ना फिर उसका स्मरण, ना फिर उसकी रुचि उपयोग काय में लगा भैया, या तो पुण्य की क्रियाओं में या पाप की क्रियाओं में। आत्म तत्व का बोध स्मरण जैसे कोई बात ही यही तो नहीं कर रहे अपन। जल्दी जल्दी बता दो भगवान आत्मा, गुरु महाराज कह रहे हैं श्रेष्ठम च गुण वंदम श्रेष्ठम सहकार कम संक्षिप्तम। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो, क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ का सहकार उत्पन्न होने से आठों प्रकार के कर्म छह हो जाते हैं। तो श्रेष्ठ का सहकार कैसे करें? पहले एक काम करो, क्या करना है? पहले एक काम करो, भोजन की क्रिया करना है। मतलब अब चौके में जाना है, सुबह हो गई, नींद खुल गई है, तो क्या करो, बिस्तर में बैठ के कहो ओम नमः सिद्धम। पहले क्या होगा इससे, पहले ओम नमः सिद्धम कह के मंगलाचरण कर दिया अपन ने। अब क्या करना है, 24 घंटे रहना है पर पर्याय में बिजी। पर पर्याय में मतलब कहीं राग में, कहीं कसाय में, कहीं विषय में, कहीं पापों में। कहले सुबह सुबह ओम नमः सिद्धम क्यों कह दिया? कहले मंगलाचरण करना था ना, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि कोई भी क्रिया करो तो आत्मा का लक्ष्य बना के करो। हमने सुबह उठते से ओम नमः सिद्धम कह दिया, हमारा लक्ष्य काय का हो गया? काय का हो गया लक्ष्य हमारा? आत्मा का है ना। हमने ओम नमः सिद्धम की जाप कर ली, चैत्यालय आ गए, प्रवचन सुन लिए, हमारा लक्ष्य काय का हो गया? आत्मा का है ना, सम्यक दृष्टि हो गई ना, हमें आत्मा की श्रद्धा हो गई ना, हुई नहीं हुई? चेतन आत्मा भगवान आत्मा की चर्चा को भी क्रिया मत बनाओ भगवान जी, ये इसे भी क्रिया मत बनाओ, इसे भी एक मात क्रिया, एक मंत्र जब मत बनाओ कि भाई हमने कह दिया हम भगवान आत्मा है, हमने कह दिया भगवान आत्मा है, ये लगे काम हो गया। अरे भगवान रुचि लेके आओ, रुचि इसे रसीला बनाओ। ये आत्मा अनंत रसवंता तत्व है, अनंत रसीला तत्व है। इसको स्पर्श करोगे, इसको छुओगे, इसका चिंतन करोगे, इसका मनन करोगे तो आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी, आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। तब ये इंद्रिय विषय कसाय छूटेंगे, तब ये पाप विषय कसाय छूटेंगे, तब ये परपर्याय की पराधीनता छूटेगी। और जब तक इस आत्मिक रस को, आध्यात्मिक रस को ग्रहण नहीं करोगे तब तक ये कसाय भाव छूटने वाले नहीं। आत्मा का आनंद आए बिना इंद्रियों के दुख बिलाने वाले नहीं है। भैया यदि किसी को अभक्ष का त्याग कराना हो तो उसे सात्विक भोजन तो कराना ही पड़ेगा भगवान। यदि किसी से व्यसन छुड़वाना हो आपको तो भैया उसे भोजन तो कराना ही पड़ेगा ना, भूखे पेट भजन नहीं होंगे, भूखे पेट भक्ति नहीं होगी, तो भैया भोजन तो कराना पड़ेगा। लेकिन उसे व्यसन ना करा के, अवक्ष ना करा के उसे सात्विक भोजन कराया जा सकता है, हाँ या नहीं? ऐसे भगवान आत्मा ऐसे ही आप सोचो कि इंद्रिय के विषय वासनाओं से छूटना है आपको, कसायों से छूटना है, राग देश की राग देश की आग से छूटना है। अंतर में जो राग देश की अग्नि झलक धधक रही है, मोह अज्ञान के जो आवरण अनादिकाल से ये जीव के अंतर में पनप रहे हैं, क्या विषय आसक्ति, भोग आसक्ति, काम आसक्ति, मोह आसक्ति, लोभ आसक्ति, आशा स्नेह लाभ लोभ स्वार्थ गारव, क्या सारे दोस्त तो दिखाई दे रहे हैं, सारे परिणाम तो व्यवहार रूप सारी परिणति तो सामने दिखाई दे रही है। क्या ना मुक्त होना चाहते हो, छूटना चाहते हो इस कचरे से? भैया जो भाव रूपी कचरा है, देखो भैया बाहर में यदि घर में कचरा पड़ा हो तो सबको भाव आते हैं कि इसे निकाल के बाहर फेंको, लेकिन ये जो अशुद्ध भाव रूपी कचरा है
क्या इस अशुद्ध भाव रूपी कचरे से छूटना चाहते हो? जरा में राग के भाव, जरा में भोग के भाव, जरा में काम के भाव, जरा में व्यसन के भाव, जरा में वासनाओं के भाव, जरा में उपयोग बाहर की ओर भागता है। बोलना भैया अंदर आते ही कब है? बाहर ही बाहर भागता है। स्वभाव की ओर पलटते ही कब है? क्यों ना निरंतर बाहर ही बाहर छूटना है छूटने की भावना। भगवान आत्मा यदि इन इंद्रिय विषय भोगों से छूटना चाहते हो, अज्ञान विषय भोग से छूटना चाहते हो, तो एक ही मार्ग है जिनेन्द्र भगवान की अमृत में देशना का उपभोग। एक ही मार्ग है अपने आत्मिक आनंद का उपभोग। आत्मा अनंत रसवंता अतीन्द्रिय पदार्थ है, इसे कहीं से भी चखोगे तो आनंद के अलावा और कुछ प्राप्त होने वाला? आत्मा अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, रसवंता तत्व है। भैया गुलाब जामुन के को कहां से खाओगे जो रस आएगा? गुलाब जामुन को कहीं से भी ग्रहण करोगे तो आनंद ही आएगा ना। ऐसे ही इस आत्मा को तुम कैसे भी अनुभव करो, चाहे सच्चा श्रद्धान करके अनुभव करो, चाहे ज्ञान उपयोग में इसका चिंतन करके अनुभव करो, चाहे भैया तुम बाहर की नियम व्रत आदि की क्रियाओं को पालन करते हुए अपने आत्मा का चिंतन करते हुए इसका अनुभव करो, चाहे आचरण से इसका अनुभव करो, कहीं से भी इस आत्मा को चखोगे, चाहे श्रद्धा से, चाहे ज्ञान से, चाहे चारित्र से, उत्पन्न तो आत्मा का रस ही। गुरुदेव की गारंटी है श्रेष्ठम च गुण वन्नम। आत्मा के श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठम सहकार कम संक्षिपणम। श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार होने से कर्म स्वयं ही छे होते। अरे भगवान आत्मा ऐसे गुरुदेव कहां मिलेंगे जो तुमसे कह रहे हैं कि कर्म भी स्वयं छे होते हैं, कर्म छे करने का काम भी तुम्हें नहीं करना, तुम तो आनंद में रहो। ऐसे गुरु महाराज कहां मिलेंगे तुम्हें जो तुमसे कह रहे हैं जो तुमसे क्या कह रहे हैं कि इन कर्मों को छे करने का काम भी तुम्हारा काम ही नहीं। गुरु महाराज कर्मों को छे करने का काम हमारा नहीं है? लेकिन बिल्कुल नहीं है। तो कह रहे गुरु महाराज हमारा काम क्या है? तुम्हारा काम है श्रेष्ठम सहकार, कि तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव श्रेष्ठ है, तुम्हारी अतीन्द्रिय आत्मा श्रेष्ठ है, तुम्हारे अंतर में बसने वाला ममले ममल स्वभाव श्रेष्ठ है। श्रेष्ठम सहकार, श्रेष्ठ का सहकार करना अपना काम है और कर्मों का क्षय होना उनका काम है। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं। मानोगे या नहीं? सही सही बता दो भैया, स्वीकार करना है या नहीं? अच्छा एक बार बताओ, श्रेष्ठ गुण उत्पन्न करना है? कौन सा श्रेष्ठ गुण है? सफेद कपड़े पहनना है ना, सही बताते जाओ। कौन सा श्रेष्ठ गुण है? कम से कम इतना निर्णय तो हो जाए कि अपन आत्मा के गुण में और शरीर की क्रिया में अंतर जानने लगे। नहीं तो शरीर की क्रियाओं को गुण मान लिया जाए और आत्मा के गुणों को लोप कर दिया जाए तो जीव क्या ग्रहण करेगा? यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठम गुणोपन्नम, और वो ग्रहण करने लगेगा बाहर की पर्यायों को, बाहर के गुणों को, लौकिक गुणों को, और लौकिक गुणों का आत्मा से कोई संबंध। इसलिए अपन अपनी श्रद्धा को मजबूत करें भैया, अपन अपनी अंतर श्रद्धा को बढ़ाएं, अपन अपनी अंतर रुचि को बढ़ाएं। और आचार्य भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठम च गुण वन्नम, आत्मा के श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करें। श्रेष्ठम सहकार कम संक्षिपनम, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार करने से कर्मों का क्षय होता है। अब पूरी गाथा पढ़ दे रहा है, श्रेष्ठम च इष्ट कमलम। भैया जो अपना श्रेष्ठ स्वभाव है ना, इष्ट कमलम, जो कमल स्वभाव अर्थात जो ज्ञायक स्वभाव है वो ही श्रेष्ठ है और वो ही इष्ट है। गुरु महाराज कह रहे हैं कमल श्री कमल भाव ममलम चा, कमल श्री माता जी को संबोधन कर रहे हैं कि हे कमल श्री माता,
अपना गायक स्वभाव ही श्रेष्ठ है और इष्ट है। क्या क्या गुरुदेव? पहले कमल भाव ममलम चा, तुम अपने गायक भाव में रहो, ममल स्वभाव की साधना करो, इससे मुक्ति की प्राप्ति ही हो जाए। चारित्र के लिए उपदेश दे रहा है, आत्म चारित्र के लिए उपदेश दे रहा है कि आत्मा ही अपना कमल स्वभाव ही श्रेष्ठ है और इष्ट है। हे कमल श्री माता, क्या क्या है? पहले कमल भाव को प्रकट करो, अब कमल भाव में रहो। क्यों? क्योंकि कमल भाव में रहने से ममलम च, ममले ममल पद की प्राप्ति हो जाए। जो अपना अरिहंत सिद्ध में, अपना केवल ज्ञान में, अनंत चतुष्टय में जो अपना पूर्ण स्वभाव है वो उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे आचार्य सद्गुरुवर का हम समस्त भव जीवों के लिए परम पावन उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर जिंदानंद तन्मूलाचार्य जी महाराज।